For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जी हाँ दोस्तों, यह है मोहब्बत की कहानी को लेकर इन दिनों कौन उत्सुक नहीं है और सबको यही जानने की बेताबी है कि भाई अब कहानी में आगे क्या कुछ है खास और एक के बाद एक कैसे शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न से इसका मनोरंजन किया जाएगा डबल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या हाल रहा था बीते एपिसोड का, जहाँ पर आपने देखा था कैसे रूही वो वीडियो लेकर पहुंच जाती है परम के पास और वो उसे बताती है उसके पास सारी फोटोज़ हैं कि वो एक लड़की को डेट कर रहा है और उसका अफेयर चल रहा है, जहां वो उससे बोलती है कि वो जाकर ये बात सिम्मी को बता देगी। लेकिन सिम्मी के पास जाने से पहले वो इससे ये भी पूछती है आखिरकार वो इशिता को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, जो कि ये पूरी बात सुन लेता है रमन और वहां आकर पीटने लग जाता है वो परम को एकाएक। ये स्पीच आपने देखा, इशिता आकर छुड़वाने की कोशिश करती है और परम का साथ देती है तो वहीं वो रमन को जड़ देती है ज़ोरदार तमाचा और इससे रमन काफ़ी चिढ़ जाता है। वहीं इशिता हेल्पलेस फील करती है और वो ना ही कुछ रमन कुछ सच बता पाती है। दूसरी तरफ आपने देखा कैसे आदि जाता है रोशनी के साथ घर पर छोड़ने उसे, जहां पर आदि को बोल देती है वो कि उसे दूर चला जाए, लेकिन आदि ऐसा नहीं करता, जहां वो आदि अपने दिल की बात भी उसको बोल देता है और साथ ही साथ श्रवण के सामने सच्चाई आ जाती है कि आदि रोशनी के साथ था और उसी ने उसको फ़ोन दिया था। वहीं अगर आप आने वाले ट्रैक की बात करें जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट देखने वाले हैं आने वाला है, तो वहीं ये भी जान लीजिए कि जहां ब्रह्मन को सब इशिता बता देगी पीयू के बारे में, तो वहीं उनके कुछ करने से पहले ही परम अब उबल देने वाला है पीयू की सच्चाई सबके सामने, जहां वो सबको बता देगा कि आखिरकार अनन्या की असली कातिल तो पीयू है। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।